चलो दोस्तों, शुरू करते हैं महादेव का साप। अच्छी कहानी लगी दोस्तों, इसलिए आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, जवाहरनगर का राजा रुद्रदेव आखेट करने मोती वन में गया। वहां उसने बहुत से जंगली व हिंसक जानवरों को अपने तीरों का शिकार बनाया। गर्र। दूसरी ओर मोती वन में रघु ऋषि के आश्रम में खुश खुश और दोनों सर्प एक दूसरे को मौत के घाट उतारने पर उतारू हैं। कुछ देर बाद वही हुआ जो रघु ऋषि सोच रहे थे। दोनों सर्प एक दूसरे पर घातक वार करते करते घायल हो तड़प तड़प कर मर गए। यह तो बड़ा बुरा हुआ, दोनों सर्पों की मृत्यु हमारे आश्रम में हुई है, इसलिए इनकी अकाल मृत्यु का थोड़ा बहुत पाप हमें भी लगेगा। अतः उस पाप से मुक्त होने के लिए हमें समाधि लगाकर कुछ देर भगवत भजन में डूब जाना चाहिए। अगले पल समाधि में लीन हो रघु ऋषि भगवान के नाम का जाप कर रहे थे। इधर राजा रुद्रदेव को वन में घूमते हुए तिरुप प्यास लग गई। वो प्यास से कंठ सूख रहा से नपते जी, शीघ्र ही कहीं से जल की व्यवस्था करो। जो आज्ञा महाराज। पानी की खोज में सेनापति ने अपनी दृष्टि चारों ओर घुमाई। तभी महाराज लगता है वह किसी ऋषि का आश्रम है, वहां जल अवश्य मिल जाना चाहिए। तो जाइए सेनापति जी, वहीं से जाकर जल ले आइए। जिस आश्रम की ओर सेनापति ने इशारा किया था वह आश्रम रघु ऋषि का था। रुद्रदेव का आदेश पास सेनापति कैलाश देव आश्रम की ओर बढ़ गया। आश्रम में पहुंचकर उसने हाथ जोड़ विनयपूर्वक ध्यानस्थ रघु ऋषि से कहा, महर्षि जवाहरनगर राजा के सेनापति कैलाश देव का प्रणाम स्वीकार हो। रघु ऋषि तो समाधि में लीन थे, तो भला कैलाश देव की बात का जवाब कैसे देते। रघु ऋषि का कोई जवाब न पाकर सेनापति कैलाश देव सोचने लगा, संगत महर्षि समाधि में लीन है। अतः वह खाली हाथ रुद्रदेव के पास वापस लौटा। महाराज महर्षि तो समाधिस्थ है, तो क्या वहां जल नहीं मिला। नहीं महाराज, महर्षि तो एकदम मौन है। कोई बात नहीं, हम सब आश्रम में चलकर महर्षि का अतिथि स्वीकार करते हैं। रुद्रदेव सेनापति के साथ रघु ऋषि के आश्रम में पहुंचा। महर्षि राजा रुद्रदेव का अभिवादन स्वीकार कीजिए। ध्यान में डूबे महर्षि रघु ने रुद्रदेव के अभिवादन का कोई उत्तर नहीं दिया। तब सेनापति ने आगे बढ़कर महर्षि रघु से कहा, महर्षि जवाहरनगर राज्य के राजा रुद्रदेव आपका अभिवादन कर रहे हैं, महाराज का अभिवादन स्वीकार कीजिए। महर्षि महर्षि रघु अब भी कुछ नहीं बोले, वे पहले की तरह निर्विकार भाव से भगवान की साधना में लीन रहे। इसे अपना अपमान समझ रुद्रदेव क्रोध से कांपने लगा। इस महर्षि का यह दुशास, हमारे अभिवादन का जवाब तक नहीं दिया, ढोंग कहीं का। महाराज क्रोध करना उचित नहीं है, आप कुछ देर धैर्य रखे, मैं अभी जल लेकर हाजिर होता हूँ। यह कह जैसे सेनापति वहां से जाने को हुआ। ठहरो सेनापति। सेनापति के पैर जहां थे वहीं रुक गए। तब रुद्रदेव ने महर्षि रघु की ओर व्यंग पूर्वक देखते हुए उससे कहा, तो क्या वास्तव में यह महर्षि समाधि में लीन है? क्या वास्तव में इसने अपनी सारी इंद्रियों को वश में किया हुआ है? असंभव, लगता यह कोई पाखंडी महर्षि है, इसने जानबूझकर मेरी उपेक्षा की है, मेरे लिए यह असहाय है। मेरा यहाँ से चले जाना ही उचित है, लेकिन जाने से पूर्व मैं इस दम्भी महर्षि को कोई दंड देना चाहता हूँ। क्रोध में ताव खाते हुए रुद्रदेव की दृष्टि सहसा दोनों मृत सर्पों पर पड़ी। हाँ यह ठीक रहेगा, इन मृत सर्पों को इस पाखंडी महर्षि के गले में डाल देता हूँ। रुद्रदेव ने तीर की नोक से दोनों मृत सर्पों को उठाया और उन्हें ध्यान मगन बैठे महर्षि रघु के गले में लपेट दिया। तत्पश्चात, हूँ ढोंगी साधु, तेरे लिए यही उचित दंड है। इतना कह रुद्रदेव रघु ऋषि के आश्रम से बाहर निकल गया। धीरे धीरे दिन ढल गया, पक्षी अपने अपने घोंसलों में वापस लौटने लगे। तभी रघु ऋषि के दो शिक्षक चेतन व महादेव जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके आश्रम में वापस लौटे। अरे आज गुरुदेव इस समय समाधि लगाए क्यों बैठे हैं सचेतन? अब इस विषय में तो तभी पता चल सकेगा जब गुरुदेव की समाधि टूटेगी। सूखी लकड़ियों के गठरों को आश्रम के एक कोने में रखकर वे रघु ऋषि के नजदीक पहुंचे। तभी, यह क्या महादेव गुरुदेव के गले में मृत सर्पों की माला है? गुरुदेव के साथ ऐसा नीच कार्य किसने किया है? वह गुस्से में चारों ओर देखने लगा। तभी उसकी दृष्टि एक तीर पर पड़ी। आश्रम में तीर किसका है? यह तीर कौन आया था आश्रम में? उसने नीचे झुककर तीर को उठाया। वो इस तीर पर तो राजा रुद्रदेव का नाम खुदा हुआ है। इसका मतलब है राजा रुद्रदेव आश्रम में आए थे। राजमत में अंधे राजा के लिए यह कुकृत्य असंभव नहीं है। जरूर राजा रुद्रदेव ने ही गुरुदेव के गले में मृत सर्प डाले होंगे। क्रोध में भरकर वह सचेतन से बोला, सचेतन, राजा रुद्रदेव ने ही
गुरुदेव के गले में मर सर्प डाले हैं। रुद्रदेव को इस कृत्य का दंड अवश्य मिलना चाहिए। महादेव, रुद्रदेव तो राजा है, उन्हें भला कौन दंड दे सकता है? सचेतन, मैं उसे दंड दूंगा। मैं उससे गुरुदेव के अपमान का बदला अवश्य लूंगा। इतना कह उसने महर्षि रघु के पास रखे कमंडल से जल लेकर और उस जल का आचमन कर साप देने की मुद्रा में अपना हाथ उठाकर कहा, अभिमानी रुद्रदेव ने मेरे गुरुदेव का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए उसे मेरा साप है कि उसे तक्षक नागदसे। यह कहते कहते क्रोध से उसका मुंह लाल हो गया, वह आवेश में कांपने लगा। यही वह क्षण था जब महर्षि रघु ने अपनी समाधि तोड़ी। अरे वत्स, महादेव तुम उत्तेजित क्यों हो? इस उत्तेजना का क्या कोई विशेष कारण है? हाँ गुरुदेव, आप कृपा अपने गले की ओर देखिए। महर्षि रघु ने तुरंत अपने गले की ओर दृष्टि जुटाई। है ये मरे सर्प मेरे गले में कहां से आए? गुरुदेव, प्रतीत होता है आप जब समाधिस्थ थे यहाँ राजा रुद्रदेव आए थे। अपना स्वागत होता हुआ न पाकर मदांत हो उन्हीं ने ऐसा किया होगा। गुरुदेव, इतना बड़ा दुसाहस किया था उस राजा ने। बंधु महादेव ने उसे उचित दंड दिया है। महर्षि रघु चौके, दंड? कैसा दंड? कहीं तुम लोगों ने उनका अपमान तो नहीं किया? नहीं गुरुदेव, मैं और महादेव तो यहाँ उस समय थे ही नहीं। आने पर जब महादेव ने आपके गले में मृत सर्प पड़े हुए देखे तो इसे सहन नहीं हुआ। इसने राजा रुद्रदेव को साप दिया है कि उसे तक्षक नाग डसेगा। क्या महादेव, यह तुमने क्या किया? इस छोटी सी भूल का राजा रुद्रदेव को इतना बड़ा दंड दिया। बुराई का बदला बुराई नहीं भलाई होता है। महादेव, तुमसे घोर अनर्थ हुआ है। महर्षि रघु पश्चाताप से भर उठे। गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, क्रोध में आकर मैं भले बुरे का ज्ञान भूल गया था, जिसके वशीभूत होकर ही मैं राजा रुद्रदेव को साप दे बैठा था। कहकर महादेव महर्षि रघु के चरणों में गिर गया। तब महर्षि रघु उसे उठाते हुए बोले, महादेव क्रोध नाश की जड़ है। तुम जितना क्रोध करोगे क्रोध तुम्हें उतने ही हानि पहुंचाएगा। वो कैसे गुरुदेव? तुम दोनों की जिज्ञासा शांत करने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। सुनाइए गुरुदेव। सुनो, भद्रक नाम के एक ऋषि थे। गंगा किनारे उनका आश्रम था। कौशल और जयस नाम के उनके दो शिक्षक भी उनके आश्रम में रहते थे। दोनों शिक्षक काफी बलिष्ठ थे। एक बार भद्रक ऋषि अपने दोनों शिक्षकों के साथ किसी यज्ञ में शामिल होने के लिए एक वन में से होकर गुजर रहे थे। चलते चलते तीनों रास्ता भूल गए। शाम गिर आई, फिर रात का अंधकार भी फैल गया। उस समय तक न आगे जाना संभव रहा और न पीछे लौटना। तब तीनों ने एक सघन वृक्ष के नीचे रात्रि व्यतीत करने का निश्चय किया। कुछ देर इधर उधर घूमकर कुशल और जयस कुछ फल तोड़ लाए, उन्हें ही खाकर रात बिताने की सोची। तीन पैर रात्रि सोकर ही व्यतीत करनी थी, लेकिन गोरवन में निश्चित होकर सोना भी बुद्धिमानी नहीं थी। अतः भद्रक ऋषि ने कौशल व जयस से कहा, तुम दोनों बारी बारी से एक एक पैर जागो। तीसरे पैर मैं उठ जाऊंगा। जो आ गया गुरुदेव। पहले पैर में कौशल व भद्रक ऋषि सो गए। जयस जाग कर पहरा देने लगा। जयस को पहरा देते हुए अभी कुछ समय बीता था कि वहां एक विकराल दैत्य प्रकट हुआ। उसे देखकर पहले तो जयस घबराया, फिर जल्दी संभल कर बोला, कौन हो तुम? मैं महाकाल दत्त हूँ। इस वन पर मेरा राज है। मुझे इस समय बहुत भूख लगी हुई है। ये जो दोनों पेड़ के नीचे सोए हुए हैं इन्हें खा लेने दो, तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या बक रहे हो तुम? अपने गुरु और गुरु भाई को तुम्हारा ग्रास बनने दूं? नहीं, कभी नहीं। हो तो तू मेरा मुकाबला करेगा? हाँ, मैं तुझे पछाड़ कर छोड़ूंगा। खैर, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। कहकर महाकाल दौड़कर जयस से भिड़ गया। तब जयस भी पूरा जोर लगाकर महाकाल से लड़ने लगा। उसे अपने बलिष्ठ शरीर पर बहुत गर्व था। प्रारंभ में तो जयस ने महाकाल को दबा लिया, पर धीरे धीरे महाकाल का बल बढ़ता गया। अद्भुत बात यह थी कि जयस को जितना क्रोध आता महाकाल का आकार और बल उतना ही बढ़ता जाता। महाकाल ने जयस को कई बार पटका, जिससे जयस घायल हो गया। तब महाकाल दत्त ने जयस से फोन कहा, मुझे अपने गुरु या गुरु भाई में से एक को खा लेने दो। चलो, मैं तुम्हारे गुरु को छोड़ दूंगा, पर कौशल को खा लेने से भला तुम्हें क्या हानि होगी? नहीं, जयस पूरा जोर लगाकर चिल्ला और अगले ही पल धड़ाक। लेकिन महाकाल क्रोधित होने के बजाय खिलखिलाकर रस पड़ा हा। अरे कैसा मूर्ख है ये, भूसा लगने पर क्रोधित होने के स्थान पर उल्टा खिलखिलाकर रस रहा है।
जयस बहुत थक गया था, लेकिन एक पैर पूरा होने तक वह महाकाल से लड़ता ही रहा। पैर पूरा होते ही महाकाल अदृश्य हो गया। अब पीड़ा से कराते जयस ने कौशल को जगाया, कौशल उठो। कौशल ने आंख खोलकर जैसे उसकी ओर देखा, अरे जयस यह तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी यह दशा किसने की? कौशल, इस समय मेरी दशा ठीक नहीं है, मुझे आराम से सो जाने दो, सुबह होने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ठीक है तुम सो जाओ, अब मैं जागकर पहरा दूंगा। पीड़ा से कराता हुआ जयस जब कुछ देर बाद सो गया तो कौशल चारों ओर घूम घूम कर पहरा देने लगा। कुछ क्षण बाद महाकाल फिर वहां प्रकट हुआ। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं इन दोनों को खाऊंगा। कौशल ने क्रोध से उसकी ओर देखा। यह देख महाकाल ने उससे कहा, अभी कुछ देर पहले जब तुम्हारा यह मित्र जागा हुआ था और तुम सोए हुए थे तो तुम्हारे इस मित्र ने तुम्हें खा जाने को कहा था। तुम मेरे मित्र पर आरोप लगा रहे हो जयेश, ऐसा कभी नहीं कह सकता। अब महाकाल कौशल की ओर उछला। यह देख कौशल को बहुत क्रोध आया, वह भी क्रोधित तो महाकाल से भिड़ पड़ा। महाकाल बहुत बलशाली था, कौशल के साथ वह मलयुद्ध कर रहा था। कौशल भी अपने को कम बलशाली नहीं समझता था, अतः दोनों बढ़ चढ़ कर एक दूसरे पर वार कर रहे थे। कौशल क्रोध में उतार भरकर महाकाल पर जपता, ठहरो तुझे अभी धूल चटाता हूं। कौशल जितना क्रोध करता महाकाल का बल उतना ही बढ़ता जा रहा था। पैर बीतते बीतते कौशल थक कर चकनाचूर हो गया, तभी अचानक घोर गर्जना के साथ महाकाल अदृश्य हो गया। अरे वह जैसे कहां चला गया? तभी भद्रक ऋषि उठ गए, कौशल बेटा तुम्हारा सोने का समय हो गया है, आओ सो जाओ, अब मैं जागकर पहरा दूंगा, जो आजा गुरुदेव। कौशल जयेश के बगल में पड़कर सो गया। अब भद्रक ऋषि पहरा देने लगे, तभी वहां महाकाल प्रकट हुआ। वह अस्कर भद्रक ऋषि से बोला, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे दोनों शिक्षों के बदले तुम्हें मोक्ष दिला सकता हूँ। महाकाल की बात सुनकर भद्रक ऋषि मुस्कुराए, मित्र राक्षस तुम्हें देखकर ही मुझे मोक्ष मिल गया है, वरना मैं पूरे पैर अकेलेपन के बंधन में बंधा रहता। तुम अच्छे आए, अब बाकी रात तुमसे बोलते बतलाते आराम से कट जाएगी। हूँ मैं यहाँ तुम्हारा दिल बहलाने नहीं आया हूँ। गुस्से से दांत पीसकर महाकाल ने भद्रक ऋषि को गुस्से थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। महाकाल के गुस्से थप्पड़ खाकर भी भद्रक ऋषि हंस पड़े, तुम अच्छे वीर हो मित्र राक्षस, शक्तिशाली भी हो, तुम में उत्साह के भी कमी नहीं है। भद्रक ऋषि के इस कथन का परिणाम यह हुआ कि महाकाल का आकार अकस्मात घटने लगा, लेकिन फिर भी वह बार बार भद्रक ऋषि को थप्पड़ गुस्से से पीट रहा था। राक्षस भाई तुम क्रोध में बहुत अच्छे लग रहे हो। भद्रक ऋषि उसे रोकने के बजाय बार बार हंसी की कोई बात कह देते थे। भद्रक ऋषि की प्रत्येक हंसी की बात के साथ महाकाल का आकार व बल घटता गया, अतः खिसिया कर महाकाल वहां से चलने लगा तो हा हा मित्र राक्षस कहाँ चल दिए। भद्रक ऋषि के हंसने के साथ ही महाकाल एक छोटे से कीड़े के रूप में बदल गया। भद्रक ऋषि ने उस कीड़े को उठाया और अपने वस्त्र के छोर में बांध लिया। प्रातः काल हुई तो भद्रक ऋषि के दोनों शिष्य उठ गए। जयेश का घुटना व मुंह सूजा हुआ था, कौशल का थकान के मारे बुरा हाल था। उन दोनों का यह हाल कैसे हुआ? गुरुदेव रात हमें एक राक्षस मिला था, उसी ने हमारा यह हाल किया है। गुरुदेव क्या वह राक्षस आपको नहीं मिला? नहीं मिला था, वह तो बहुत ही भयंकर व बलशाली था। शिक्षक की बात सुनकर भद्रक ऋषि मुस्कुराए और वस्त्र में बंधे कीड़े को खोल कर शिक्षक के सामने रख दिया। यही है वह राक्षस जिससे रात को तुम्हारी भेंट हुई थी। यह तो छोटा सा कीड़ा है गुरुदेव, तुम लोगों ने इसे पहचाना नहीं? नहीं गुरुदेव, देखो यह क्रोध का कीड़ा है, आप जितना क्रोध करोगे यह कीड़ा उतना ही आपको हानि पहुंचाएगा। यदि इसे जीत लिया जाए तो इसका बल विस्तार समाप्त हो जाएगा। इतनी कहानी सुनाने के पश्चात महर्षि रघु महादेव सचेतन से बोले, शिक्षक अगर जयेश और कौशल करोड़ रूपी कीड़े राक्षस पर क्रोध न करते तो उनकी वह गत न बनती। क्रोध रूपी राक्षस के सम्मुख भद्रक ऋषि क्रोध करने की अपेक्षा हंसते मुस्कुराते ही रहे, जिसके परिणाम स्वरूप क्रोध रूपी राक्षस छोटा होकर कीड़े के रूप में परिवर्तित हो गया। गुरुदेव इतनी शिक्षाप्रद कहानी सुनने के पश्चात हमारी आंखें खुल गई है, अब हम कभी भी क्रोध नहीं करेंगे। अब महर्षि रघु ने महादेव से कहा, महादेव अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूँ
जो तुम्हारे लिए अच्छी भी है और बुरी भी है। महादेव ने आश्चर्य से महर्षि की ओर देखा। ऐसी कौन सी खबर हो सकती है गुरुदेव जो अच्छी होने के साथ साथ बुरी भी हो? तो सुनो, तुमने जोहार नगर के राजा रुद्रदेव को मृत्यु का जो श्राप दिया था वह पूरा हो चुका है। जवाहर नगर में तक्षक नाग राजा रुद्रदेव को डस चुका है, जिसके फल स्वरूप रुद्रदेव की मृत्यु हो चुकी है। यह तो हुई बुरी खबर, अब अच्छी खबर सुनो। राजा रुद्रदेव तुम्हारे पिता हैं। गुरुदेव, महादेव ने पचकचा कर महर्षि रघु की ओर देखा। मैं ठीक कह रहा हूँ वत्स, राजा रुद्रदेव तुम्हारे पिता हैं। गुरुदेव, मैंने तो जब से संसार में आंखें खोली है तब से अपने आप को आपके आश्रम में पाया है। न मैंने अपनी माँ को देखा है और न ही अपने पिता को, मेरे तो आप ही सब कुछ है गुरुदेव। तब महर्षि रघु ने सने से महादेव की ओर देखते हुए कहा, बेटा तुम्हारा कथन ठीक है, पर मैंने तुम्हें जो बताया है वह यथार्थ है और यथार्थ से कभी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। तुम राजा रुद्रदेव के पुत्र हो, यह यथार्थ ही है। वह दिन मुझे आज भी अच्छी तरह याद है जब 20 वर्ष पूर्व तुम्हारी माँ महारानी तेजपुर गिरती पड़ती इस वन से गुजर रही थी। उस समय मैं गंगा में स्नान करके आश्रम की ओर वापस लौट रहा था। देवी तुम कौन हो? वस्त्रों व मुख से तुम किसी राज परिवार की लगती हो। मेरा कथन सुनते तुम्हारी माँ महारानी तेजपुर फूक फूक कर रो पड़ी। बूहू, यह क्या देवी, तुम तो रोने लगी। चुप हो जाओ और मुझे अपना दुख बताओ। कुछ देर तक रोने के पश्चात महारानी तेजपुर चुप हुई, फिर मुझे बताया, ऋषिवर मैं जोहार नगर के राजा रुद्रदेव की महारानी तेजपुर हूँ। तुम जोहार नगर की महारानी हो देवी, तब भला तुम इस अवस्था में इस बियाबान वन में कैसे? यह एक दुख भरी कहानी है ऋषिवर। राजा रुद्रदेव ने रुष्ट होकर मुझे जोहार नगर से निकाल दिया है। लेकिन राजा रुद्रदेव ने ऐसा क्यों किया देवी? सुनकर महारानी तेजपुर ने गहरा विश्वास लिया। ऋषिवर, राजा रुद्रदेव बहुत ही क्रोधी दंभी कुर कुटिल और विलासी है। वे हर समय राग रंग की महफिलों में डूबे रहते हैं, राज कार्य में वे ज्यादा रुचि नहीं लेते हैं। उनके इस व्यवहार से समस्त मंत्री व जवाहर नगर की समस्त प्रजा उनसे बहुत शुभ रहती है। यह देखकर मैंने महाराज को समझाना चाहा, तो वे क्रोध में आग बबूला उठे और बोले, तुम कौन होती हो मुझे समझाने वाली? तब मैंने उनके क्रोध पर ध्यान न देते हुए उन्हें पुनः समझाया, तो उन्होंने क्रोध में भरकर मुझसे कहा कि तुम जैसी वाचाल रानी का मैं आज ही परित्याग करता हूँ। तुम इसी समय हमारे राजमहल और जवाहर नगर से दूर चली जाओ। वो तो राजा रुद्रदेव इतने क्रूर अभिमानी है, इतनी सी बात पर उन्होंने तुम्हें इस प्रकार देश निकाला दे दिया। ऋषिवर, मुझे अपनी तो कोई चिंता नहीं है, पर इन दिनों मेरे गर्भ में जो जीव पल रहा है मुझे उसकी चिंता है। वो तो तुम गर्भवती भी हो देवी। हाँ ऋषिवर, पति के द्वारा तो मैं त्याग दी गई हूँ, अतः सोचती हूँ कि जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। इस दिन हालत में अपने पिता के पास भी तो नहीं जा सकती। सुनकर मैं सोच में पड़ गया। कुछ सोचकर मैंने महारानी से कहा, देवी आओ तुम मेरे आश्रम में चलो, आज से मैं तुम्हारा धर्म पिता और तुम मेरे धर्म की बेटी हो। ऋषिवर नहीं, मुझे पिता कहो बेटी, पिताजी। महारानी दौड़कर मेरी छाती से लग गई, उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। महादेव को इतनी बात बताने के पश्चात रघु ऋषि उससे आगे बोले, महादेव मैं महारानी तेजपुर को उसी समय अपने साथ ले आया। उचित समय पर महारानी की कोख से तुमने जन्म लिया, लेकिन दुर्भाग्य इधर तुमने संसार में आकर आंखें खोली, उधर महारानी तेजपुर ने इस संसार से आंखें मूंद ली। वो तो मुझे जन्म देते ही मेरी माँ चल बसी थी। हाँ महादेव, यही सच है। तो गुरुदेव, आपने मुझसे आज तक यह सच क्यों छिपाए रखा था? महादेव, तुम्हारी माँ की यही इच्छा थी, वह चाहती थी कि जब तक तुम बड़े व समझदार न हो जाओ तब तक तुम्हें इस विषय में पता नहीं चलना चाहिए कि तुम किसके पुत्र हो। महादेव सोच में पड़ गया। फिर कुछ देर सोचकर वह महर्षि रघु से बोला, गुरुदेव अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? महादेव, अब तुम युवा हो गए हो, तुम्हारी शिक्षा भी संपूर्ण हो गई है, इसके साथ साथ तक्षक नाग के डसने से तुम्हारे पिता रुद्रदेव की मृत्यु भी हो चुकी है और जवाहर नगर का राज शासन खाली हो चुका है, अतः अब उस पर तुम्हारा हक है। तुम जवाहर नगर जाओ और जाकर अपने मृत पिता का अंतिम संस्कार करो।
गुरुदेव राज सिंहासन पर मेरा ही हक क्यों है? राजा रुद्रदेव के और पुत्र भी तो होंगे। ऐसा नहीं है महादेव, जब तुम्हारे पिता ने महारानी तेज कुंवर को बिना किसी बात के देश निकाला दे दिया, तो फिर किसी भी राजा ने भूल कर भी अपनी पुत्री का विवाह रुद्रदेव के साथ नहीं किया, जिसे रुद्रदेव आजन्म एकाकी जीवन बिताता रहा। वैसे भी उसे विवाह की क्या आवश्यकता थी, उसका सारा समय तो राग रंग की महफिलों और सुरा सुंदरियों की भेंट चढ़ जाता था। अतः तुम ही रुद्रदेव की पहली व आखिरी संतान हो, इसलिए जवाहर नगर की राजगद्दी पर तुम्हारा ही हक बनता है। गुरुदेव, मैं जवाहर नगर नहीं जाऊंगा। लेकिन क्यों गुरुदेव? जिस जवाहर नगर से मेरी माँ को अपमानजनक अवस्था में निकाला गया था, उसी जवाहर नगर में मैं भला कैसे जा सकता हूँ? बेटा, तुम्हारा आक्रोश राजा रुद्रदेव के प्रति होना तो ठीक है, पर जवाहर नगर और जवाहर नगर की राजगद्दी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। आज उनकी प्रतीक्षा पूरी होने का मौका आया है, इसलिए तुम्हें जवाहर नगर जाना ही होगा, यह मेरी आज्ञा है। गुरुदेव, आपकी आज्ञा को मैं टाल नहीं सकूंगा, पर जवाहर नगर में मेरी इस बात का कौन यकीन करेगा कि मैं राजा रुद्रदेव का पुत्र हूँ? महादेव, इसकी चिंता तुम न करो, मैं स्वयं तुम्हारे साथ जवाहर नगर जाऊंगा। तब ठीक है गुरुदेव। अपने शिष्यों के ऊपर आश्रम का भार सौंप कर महर्षि रघु उसी समय महादेव के साथ जवाहर नगर की ओर चल दिए। वे सारी रात चलते रहे। सुबह होने पर वे दोनों जवाहर नगर पहुंचे। महर्षि रघु ने पास से गुजरते एक आदमी को रोककर पूछा, भाई, क्या राजा रुद्रदेव की शव यात्रा प्रारंभ हो चुकी है? हाँ ऋषिवर, अब तो उनकी शव यात्रा शमशान घाट तक जा पहुंची होगी। इतना कह वह आदमी आगे बढ़ गया। तब रघु ऋषि ने महादेव से कहा, महादेव, हमें शमशान घाट चलना चाहिए, चलिए गुरुदेव। जब ये दोनों शमशान घाट पहुंचे तो रुद्रदेव का शव चिता पर रखा जा चुका था। तत्पश्चात महापंडित बोला, महाराज के तो कोई संतान नहीं थी, उनके चिता को अग्नि कौन देगा? यह भी समस्या उठ खड़ी हुई, अब क्या करें? यह तो सचमुच विचित्र समस्या उत्पन्न हो गई है। तब महादेव के साथ रघु ऋषि आगे बढ़े। अरे, आप तो वही महर्षि है जिसके गले में कल महाराज रुद्रदेव ने दो मर्द सर्प डाले थे। आपने सही पहचाना है सेनापति, मैं महाराजा रुद्रदेव की चिता को अग्नि देने वाले को साथ लेकर आया हूँ। सेनापति व प्रधानमंत्री ने चौंक कर महर्षि रघु की ओर देखा, आपके कहने का क्या तात्पर्य है महर्षि? तब रघु ऋषि ने विस्तार पूर्वक महादेव के विषय में प्रधानमंत्री व सेनापति को बताया। महर्षि रघु से सारी बात जानकर, महर्षि, आपने तो हमारी समस्या ही हल कर दी, अब युवराज महादेव ही महाराज की चिता को अग्नि दिखाएंगे। फिर ऐसा ही हुआ। तत्पश्चात प्रधानमंत्री व सेनापति महादेव और महर्षि रघु को अपने साथ अतिथि गृह में ले गए। युवराज महाराज की 13वीं के पश्चात आपका राज्याभिषेक किया जाएगा, तब तक आपका महल में प्रवेश वर्जित है, इसलिए तब तक आपको इस अतिथि गृह में रहना होगा। 13 दिन पश्चात महादेव को जवाहर नगर का राजा घोषित कर दिया गया। राजा महादेव की जय, राजा महादेव अमर रहे। अब महर्षि रघु महादेव से बोले, महादेव, अब मेरा कर्तव्य पूरा हुआ, मैं वापस आश्रम जाना चाहता हूँ। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव, पर जाने से पहले आप गुरु दक्षिणा तो लेते जाइए। बताइए, गुरु दक्षिणा के रूप में मैं भेंट में आपको क्या दूं? सुनकर महर्षि रघु मुस्कुराए, बस मैं कोई उचित अवसर देखकर फिर कभी तुमसे गुरु दक्षिणा लूंगा, इस समय मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस प्रभु तुम्हारा कल्याण करे। महादेव को ऐसा आशीर्वाद व कुछ जरूरी शिक्षा दे, महर्षि रघु वापस अपने आश्रम लौट गए। समय का गतिमान चक्कर अपनी गति से चलता रहा। राजा बन जाने पर महादेव गुरु की दी हुई शिक्षा भूल गया, उसकी महत्वाकांक्षा पैर फैलाने लगी, वह राज्य विस्तार के सोचने लगा। राज्य विस्तार की लालसा ने उसे कुर और कुटिल बना दिया था। पास के राजा हरितनगर पर आक्रमण करते हैं, मुझे हरितनगर पर अपना कब्जा करना चाहिए। उसने सेना सहित हरितनगर पर आक्रमण कर दिया। हरितनगर में प्रवेश करते ही उसके बर्बर सैनिकों ने लूटपाट शुरू कर दी, मारो, पकड़ लो, हाय बचाओ। यह समाचार जब महर्षि रघु ने सुना, लगता महादेव पर सत्ता का नशा चढ़ गया है, उसी नशे में डूब कर वह अच्छे बुरे का ज्ञान भूल गया है, उसको सही राह पर लाने के लिए मुझे उसके पास जाना होगा। वे उसी समय हरित नगर की ओर चल पड़े। हरित नगर पहुंचकर वे महादेव से मिले। गुरुदेव, आप यहाँ? महादेव, मैं यहाँ तुमसे कुछ कहने आया हूँ, आज्ञा दीजिए गुरुदेव। महादेव, यह सही है कि तुम एक शक्तिशाली राजा बन गए हो,
किंतु तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम्हारे कोमल शरीर रूपी पौधे की लाड़ दुलार से सींच कर बड़ा किया था। तो तुम्हारे कोमल शरीर रूपी पौधे को लाड़ दुलार से सींच कर बड़ा किया था। तुम इतने अनुदार न बनो, जिस समाज का तुम्हें सहारा मिला है उसे वीरान न करो। निरय मनुष्य को व्यर्थ ही मौत के घाट न उतारो। गुरुदेव आप मेरे पूज्य हैं, अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस मामले में न पड़े। महादेव की बात सुनकर महर्षि रघु मुस्कुरा उठे। ठीक है महादेव, मुझे राजाओं के मामले में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुमसे अपने गुरु दक्षिणा मांगने आया हूँ। तुम्हें ध्यान है न? तुम पर मेरी दक्षिणा शेष है। अच्छी तरह ध्यान है गुरुदेव। तो सुनो, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारी बर्बरता और गर्व चाहिए। अपनी सेना से कहो कि खून खराबा बंद करके अपने राज्य की ओर वापस लौट जाए। गुरुदेव, आपने यह क्या मांग लिया? अगले पल महादेव सोच में पड़ गया। गुरुदेव ने तो मुझे बड़े धर्म संकट में डाल दिया। यदि गुरु की आज्ञा नहीं मानता तो पाप लगेगा, और आज्ञा मानने का अर्थ है अपनी लालसा व अरमानों का खून। गुरुदेव, मुझे कुछ क्षणों तक सोचने विचारने का मौका दीजिए। ठीक है, 2 घड़ी में विचार करके अपना निर्णय मुझे बताओ। महादेव ने थोड़ी देर के लिए मार काट बंद करवा दी और कोई ऐसी युक्ति सोचने लगा जिसे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कुछ क्षणों में महादेव को एक युक्ति सूझ गई। गुरुदेव, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, किंतु मैं उसमें थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूँ। क्या संशोधन करना चाहते हो महादेव? आइए शिविर से बाहर नदी के तट पर चलते हैं गुरुदेव, वही आपको बताऊंगा। चलो महादेव। दोनों शिविर से निकल कर नदी के तट पर पहुंचे। तट पर पहुंचकर महादेव ने महर्षि रघु से कहा, गुरुदेव आप इस नदी में स्नान कीजिए। जब तक आप सरोवर में से डुबकी लगाकर नदी से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक के लिए मेरे सैनिक बिल्कुल शांत रहेंगे, और जैसे ही आप नहाकर नदी से बाहर निकल आएंगे वैसे ही मेरे सैनिक पूर्ण युद्ध शुरू कर देंगे। महादेव की दुर्ता चालाकी से बड़ी सर सुनकर महर्षि रघु मुस्कुराए। समय के साथ साथ महादेव बहुत मतलबी कुर व सयाना हो गया है। मन ही मन कोई निर्णय लेते हुए उन्होंने महादेव से कहा, ठीक है महादेव, मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है, मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूं। इतना कह महर्षि रघु नदी में उतर गए। वह कैसी अच्छी युक्ति रही! गुरुदेव को उनके गुरु दक्षिणा भी मिल गई और मेरी बात भी रह गई। कुछ देर बाद जब गुरुदेव स्नान करके नदी में से निकलेंगे तो सैनिकों को पुनः युद्ध करने का आदेश दे दूंगा। महर्षि रघु नदी के पानी में उतरते चले गए, गहरे गहरे और गहरे। जब वे पानी में गले तक डूब गए तो उन्होंने पानी में डुबकी लगा दी। नदी के तट पर खड़ा महादेव व्यग्रता से उनके नदी में से निकलने की प्रतीक्षा करने लगा, किंतु मिनट घंटों में बदले और घंटे पैरों में महर्षि रघु ने पानी से सिर बाहर नहीं निकाला। गुरुदेव, पानी से बाहर सिर क्यों नहीं निकाल रहे हैं? महादेव चिंतित तो उठा। उसके आदेश पर 4 गोताखोर नदी में उतरे। कुछ देर बाद ही गोताखोर नदी से बाहर आए। महाराज, महर्षि रघु ने अपना शरीर सरोवर में पड़ी लोहे की जंजीरों में बुरी तरह बांध लिया है। क्या? हाँ महाराज, उनके प्राण बखेरे उड़ चुके हैं। ओ गुरुदेव ने जानबूझकर प्राण त्यागे, शायद मेरा सोया विवेक जगाने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया है। महर्षि रघु के बलिदान से महादेव को अपनी गलती का भास हो गया था, अतः महर्षि रघु के शव को नदी से बाहर निकलवाकर उसने उनका पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार किया। तत्पश्चात युद्ध बंद कर सेना के साथ वापस अपने राज्य लौट गया। अब महादेव ने अपना स्वभाव बदल लिया और कुशलतापूर्वक राजकाज करने लगा। समाप्त दोस्तों, अच्छी शिक्षाप्रद कहानी थी। जरूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी।